नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है प्रॉपर्टी तो मुझे भी चाहिए। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। कहानी चोरों के लिए विशेष सूचना, ये एक स्वरचित कहानी है, इसे चोरी करके अन्य चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना डालें, अन्यथा आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। रमाकांत जी बिस्तर पर लाचार से पड़े थे। बगल में उनकी पत्नी देवकी जी अपनी भीगी पलकों को बार बार अपने साड़ी के छोर से रगड़कर आंसू छुपाने का प्रयत्न कर रही थी। आज रमाकांत जी खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। चार चार बेटों के होते हुए आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा था। क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने इन बच्चों को पालने के लिए। न जाने कितने ही त्याग से उन्होंने सबको पाल पोस कर अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया, उन्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारने लायक बनाया। और आज जब उन्हें इस उम्र में देखभाल की जरूरत पड़ी तो उनके बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे थे। रमाकांत जी जब से लकवाग्रस्त हुए थे तब से उनके दाएं तरफ के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनके बारे में खबर मिलते ही उनके चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गए थे। अब समस्या यह थी कि रमाकांत जी तो लाचार हो गए थे और उनकी पत्नी देवकी जी से अकेले उनकी देखभाल नहीं हो पा रही थी। इसलिए रमाकांत जी ने अपने बेटों से कह दिया था कि अब वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। चारों बेटे अलग अलग शहरों में रहते थे। रमाकांत जी को अपने छोटे बेटे विनय को छोड़कर बाकी तीनों से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि सबसे छोटे बेटे ने लव मैरिज की थी। तब से रमाकांत जी उससे नाराज ही थे। उन्होंने उसकी शादी के समय ही कह दिया था कि तूने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की है, इसलिए तुझे मैं अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा। आज उनकी बीमारी की खबर सुनकर छोटा बेटा भी अपनी पत्नी के साथ दौड़ा दौड़ा चला आया था, लेकिन रमाकांत जी ने उन दोनों की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा था। रात को डिनर के बाद सब रमाकांत जी के कमरे में उन्हें घेर कर बैठ गए। सब चुपचाप थे। आखिरकार बड़े बेटे ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पिताजी अब आप दोनों हम लोगों के साथ जाएंगे तो यहाँ की जमीन जायदाद का क्या होगा? ऐसी हालत में रमाकांत जी को बड़े बेटे के मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें तो लगा कि अभी उनके बेटों को उनके स्वास्थ्य की चिंता होगी, लेकिन ये तो जमीन जायदाद की बात कर रहे थे। तभी दूसरे नंबर का बेटा बोल पड़ा, पिताजी अब आप लोगों की देखभाल और इलाज के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। यहाँ जमीन वैसे भी पड़ी पड़ी क्या करेगी, आप इसे बेचकर हम सबका हिस्सा दे दीजिए। आखिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी ही तो है। तीसरे नंबर के बेटे ने भी दोनों भाइयों की बातों में सहमति जताई। सबकी पत्नियों के चेहरों पर भी सहमति के भाव थे। उनकी बातें सुनकर रमाकांत जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन बच्चों की परवरिश में उन्होंने रात दिन एक कर दिए, उन बच्चों को माता पिता की देखभाल करने के लिए पहले प्रॉपर्टी चाहिए। उनका मन असीम पीड़ा से भर उठा। उनकी पत्नी भी कोने में खड़ी सिसक रही थी, पर किसी को उन दोनों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। सब अपनी ही धुन में मस्त थे। रमाकांत जी देख रहे थे कि सब बोल रहे थे, केवल छोटा बेटा विनय ही चुप था। तभी छोटे बेटे की पत्नी स्निग्धा बोल पड़ी, प्रॉपर्टी तो मुझे भी चाहिए। उसकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। रमाकांत जी के सबसे बड़े बेटे ने बोला, देख रहे हैं पिताजी, ये आपकी लव मैरिज वाली बहू, अब इसके भी मुंह खुलने लगे। इसमें तो जरा भी लिहाज नहीं है, यहां सब बड़े बात कर रहे हैं, यहां तक कि हमारी पत्नियां भी चुपचाप खड़ी हैं, और इन्हें देखो, मुझे पता है इसे यह सब विनय ने ही सिखाया है, खुद तो चुप बैठा है, बोलने के लिए अपनी पत्नी को आगे कर दिया है। तभी दूसरे नंबर का बेटा बोल पड़ा, देखो विनय, पिताजी ने तुम्हारी शादी के समय ही साफ कर दिया था कि तुम्हें प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो अब तुम लोग कोई उम्मीद मत रखो। स्निग्धा ने
अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए विनम्र शब्दों में कहा, पापा जी आप मुझे गलत मत समझिएगा, प्रॉपर्टी तो मुझे भी चाहिए। मेरा भी सपना है कि मेरा भी एक छोटा सा घर हो, उस घर में एक सुंदर सा आंगन हो, घर के पीछे छोटा सा बगीचा हो जहां हम शाम की चाय पी सकें। यह सब मुझे चाहिए, लेकिन यह हम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाएंगे और उससे अपने सपनों की दुनिया बसाएंगे। इसके लिए मुझे आप लोगों की संपत्ति नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। स्निग्धा ने आगे कहा, पापा जी मुझे आपकी जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, हमें बस अपना फर्ज निभाने दीजिए। आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। विनय भी बोल पड़ा, हाँ पापा मैं भी यही सोचकर यहां आया था कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन बड़े भाइयों ने तो यहां अलग ही राग छेड़ दिया। मुझे सच में आपकी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको मांगता हूं, बस आपकी देखभाल करने का अधिकार हमें दे दीजिए और हमसे जो भी नाराजगी है उसे भूलकर हमें माफ कर दीजिए। अपने सबसे छोटे बेटे और बहू की बात सुनकर रमाकांत जी का मन भीग उठा, उनकी पलकें नम हो गई। वह जिसे नालायक समझकर अपनी नजरों से दूर किए हुए थे, आज उसने ही आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया था। उनकी बातें सुनकर बाकी सभी बेटों और उनकी पत्नियों के सिर शर्मिंदगी से झुक गए थे। रमाकांत जी ने रुंधे गले से कहा, सुनो बच्चों, यह जमीन जायदाद मैं अपने साथ ऊपर लेकर नहीं जाने वाला था, यह सब तो तुम्हें ही मिलना था, लेकिन ऐसे समय पर जमीन जायदाद के लिए तुम लोग आवाज उठाओगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। जिन बच्चों के लिए बुढ़ापे में माँ बाप बोझ होते हैं उनके यहां मैं भी नहीं जाना चाहूंगा। क्योंकि विनय ने खुले दिल से आगे बढ़कर मुझे अपने साथ ले जाने की बात की है, इसलिए मैं उसके साथ ही रहना पसंद करूंगा। और जहां तक रही प्रॉपर्टी की बात, तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे इसके बारे में दोबारा शांत चित्त से सोचकर कोई फैसला लेना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर छोटी बहू की आंखों में खुशियों के आंसू छलक पड़े कि उसके सास ससुर अब उसके साथ रहेंगे। वहीं उनके बाकी सभी बेटे और बहुएं सिर झुकाकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। विनय और स्निग्धा माता पिता को पूरे सम्मान के साथ अपने साथ लेकर चले गए। अपने बेटे बहू के प्यार भरे देखभाल और उचित इलाज के कारण रमाकांत जी पहले से बेहतर महसूस करने लगे। वो मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक प्रसन्नचित रहने लगे थे। देवकी जी भी अपने बेटे और बहू से उचित मान सम्मान मिलने के कारण बहुत खुश थी। एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपने बहू और बेटे को कमरे में बुलाया और अपने पास बिठाया। रमाकांत जी बड़े ही प्यार से बोले, सुन बेटा मैंने तुझे समझने में बड़ी भूल की, लेकिन तू तो हीरा निकला। बहू भी तूने बहुत अच्छी चुनी, हम ही पागल थे जो ऐसी प्यारी बहू को खुद से दूर रखा। मेरी बीमारी में बाकी के तीनों बेटे पहले प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचने लगे, उन्होंने मेरे बारे में सोचा तक नहीं। मैं ऐसे लोभी बच्चों को अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं अपनी वसीयत बनवाना चाहता हूं, मैं सारी संपत्ति तेरे नाम करूंगा। विनय ने प्यार से अपने पिता के हाथों को थामते हुए कहा, पिताजी प्रॉपर्टी का लालच तो मुझे कभी था ही नहीं, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर सकूं। मुझे सच में वो संपत्ति नहीं चाहिए। जिस तरह आपने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया, वैसे ही मैं भी अपनी मेहनत से सब कुछ कमाना चाहता हूं। बड़े भाई साहब लोग भी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, इसलिए मेरी मानिए तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी वृद्धाश्रम को दान दे दीजिए, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिनके बच्चे उन्हें पूछते तक नहीं। आपकी देखभाल के लिए तो मैं हूं ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे का दर्द अकेले झेल रहे हैं, उनके बच्चे उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं।
सोचिए पिताजी, आपको कितने लोगों की दुआएं मिलेंगी। अपने बेटे की बात सुनकर रमाकांत जी का मन गदगद हो उठा। उनकी पलकों के कोर गीले हो उठे। वो भरे मन से सोचने लगे, इसे कहते हैं संतान जो निस्वार्थ भाव से माता पिता की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।